आखिरकार बहुत अच्छे से अभिषेक कुमार मुनावर फारूकी को समझ चुके हैं। जो सच्चे दिल वाला होता है ना, वो ही मुनावर को समझ पाता है। और मुनावर की जनता ही जो है इतनी ज्यादा प्यारी और इतनी सच्चे दिल की है, इसीलिए मुनावर के साथ कनेक्ट कर पाई। जो लोगों के दिल में खोट है वो मुनावर के फैन है ही नहीं, ना वो कभी बन सकते हैं। तो मुनावर फारूकी की काफी ज्यादा टांग जो है हमेशा खींचते रहते हैं अभिषेक। अभिषेक मुनावर मनारा और अरुण जो है दम के मकान में बैठे हैं, जहां पर बातें हो रही होती हैं कि कैसे टास्क किया जाएगा, किस तरीके से टास्क किया जाएगा। और मनारा बोलती है कि सब लोग हैरान हैं कि आखिरकार आज अभिषेक इतना ज्यादा चुप बैठा क्यों है। तो बोलता है, फिर क्या हुआ भाई, मैं चुप बैठा हूं पर मेरा भाई मुनावर जो है वो आज अभिषेक बना हुआ है। क्योंकि मुनावर काफी ज्यादा उंगलियां कर रहे हैं, मुनावर काफी ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। इन लोगों को ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो कि बी टीम की जो है फट चुकी है, और वो काफी ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, घबराए हुए हैं। तो ये सब चीजें हो रही होती है। उसी बात के बीच में बात निकल के आती है, अरुण बोलता है कि हाँ मेरे को सभी भाई बोलते हैं। तो अभिषेक बोलता है कि लड़कियां भी भाई बोलती हैं। बोला हाँ, मेरे को अन्ना भाई सब लड़कियां भी मेरे को भाई बोलती है, और अच्छा ही है यार, यही सब चीजें वो होनी चाहिए। अपने अपने को तो अच्छा ही है, सभी बहन सब लड़कियां जो है मेरे को भाई ही बोले। तो फिर वहां बोलता है, हाँ मुनावर भी चाहता है कि उसको सब लड़कियां अब भाई बोले, पर कोई बोलती नहीं है। सही बात है, मुनावर चाहते हैं या नहीं चाहते भाई ये तो नहीं पता, पर मुनावर फारूखी को जल्दी जल्दी कोई भी लड़की भाई बोलती नहीं है। मुनावर फारूखी में एक अलग सा ऑरा है, एक अलग सा टैलेंट है, जिसकी वजह से जो है लड़कियां अपने आप खींची चली आती हैं मुनावर की तरफ। फिर उसके बाद जब मुनावर के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं और मुनावर जब उनमें से एक को चुनता है अपने लिए, क्योंकि उसको वो लड़की के साथ कनेक्शन फील होता है, तो दूसरी लड़कियां हर्ट हो जाती हैं और मुनावर को बुरा भला बोलने लग जाती है कि मुनावर ऐसा, मुनावर वैसा। तो भाई आप मुनावर के पास गए ही क्यों? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।